नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? दोस्तों, आज हम बात करेंगे सर दर्द के ऊपर। सर में भयंकर दर्द रहती है और इस सर दर्द के वजह से भारत में बहुत सारे लोग इतने दुखी हैं जिसका कोई अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता है। सर दर्द के वजह से पागलपन आ जाती है, लोग बेचैन हो जाते हैं, उन्हें समझ नहीं आता है कि मैं क्या खाऊं, और एलोपैथिक दवा खा खा कर लोग अपना लीवर और किडनी बर्बाद कर रहे हैं, और उसकी भयंकर दुष्परिणाम होता है। दोस्तों, इससे आप सब वाकिफ ही हैं। तो सर दर्द के लिए अमृत तुल्य कौन सी औषधि है होम्योपैथ की, आज हम इस पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, इससे पहले डॉक्टर केशव कुमार यूट्यूब चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो पहले सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबाना न भूले, ताकि जो मैं अगला वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। दोस्तों, अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। दोस्तों, हेडेच सर दर्द की समस्या इतनी गति से बढ़ती जा रही है कि लोग सर को खूब जोर से बांध के रखते हैं, तूफान की तरह भयंकर दर्द बढ़ जाती है, लोग कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, अपनी आपा खो देते हैं, बेचैन हो जाते हैं, सर में इतनी तेज़ी से खून की दौरा होने लगती है कि लोग एलोपैथ की तरह भागते हैं, और उस तरफ भी उसे कोई सटीक इलाज नहीं हो पाता है। दोस्तों, यह दर्द फाड़ने वाला हो, पीटने वाला हो, जैसे किसी ने हथौड़ा मार रहा हो सर पे, इस तरह का अगर दर्द हो, या मीठा मीठा दर्द हो, या आंधी की तरह दर्द बढ़ जाए, आधे में दर्द हो या पूरे सर में दर्द हो, लगे अब फट जाएगा सर, हमारी कनपट्टी की नसें फट जाएगी दर्द से, आप बेहोश हो जाते हैं सर के दर्द से, उन्माद चढ़ जाती है सर के दर्द से, इन सब के लिए अमृत तुल्य औषधि है उसनिया बरबटा। उसनिया बरबेटा क्यू आधे कप से आधा पानी लेना है, उसमें 10 बूंद डालकर सुबह और शाम लगातार लें। अगर ज़्यादा दर्द रहता है, जैसे कि दवा लिए और 10 मिनट में नहीं आराम हुआ, तो पुनः फिर 10 मिनट पर दोहरा दें। दोस्तों, दवा खाते ही 10 मिनट में आराम हो जाता है, अगर नहीं हो तो दोबारा आप दोहरा सकते हैं। अगर आपकी समस्या सर दर्द की कंटिन्यू बनी रहती है तो आप इसे 10-10 बूंद लगातार 2 टाइम इसे ले सकते हैं। दोस्तों, इसका एक और तरीका है लेने का, आप ये भी लें और थोड़ी सी रुई में दवा लगाकर आप जैसे एक तरफ से नाक बंद कर दे और रुई में लगाकर आप इसे सूंघ सकते हैं, खींच सकते हैं, दूसरे तरफ से फिर रुई में लगा करके इसे ऊपर सांस के माध्यम से खींचे, यानी कि सूंघे, अच्छा से बढ़िया से सूंघे, वो भी आपके माइंड को रिलैक्स कर देगा, तुरंत दर्द आराम कर देगा। दूसरी नेक्स्ट दवा है जिसका नाम है बेलाडोना। दोस्तों, बेलाडोना 200 पोटेंसी में 2 बूंद सुबह और 2 बूंद शाम, लगातार इसे उपयोग करें। दोस्तों, कितनी भी भयंकर दर्द हो ये समाप्त हो जाएगी इन 2 दवाओं से, आप इसे लगातार उपयोग करें। दोस्तों, इसे कितना दिन खाना है या आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर इसे आप 10 दिन 15 दिन कंटिन्यू कर लेते हैं तो ठीक हो जाता है, तो फिर इसे आप छोड़ सकते हैं। अगर फिर इसे आपको दर्द अगर महसूस होने लगे तो इसे आप लगातार कंटिन्यू लें 2 महीना 3 महीना, लेकिन लगातार यह दवा नहीं खाएं, ठीक हो जाए तो आप छोड़ दें, हो तो फिर खाएं।
या आपकी समस्या धीरे धीरे ठीक कर देगी। दोस्तों अपनी नज़दीकी चिकित्सक से सलाह जरूर लें। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों फिर मैं कह रहा हूँ, दोस्तों अच्छा लगे सब्सक्राइब लाइक और शेयर करना न भूले। चलिए दोस्तों धन्यवाद।